तालिबान 1996 से 2001। तालिबान 1994 में अफगान सिविल वॉर में प्रमुख गुटों में से एक महत्वपूर्ण गुट के रूप में उभरा। इसमें बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के पूर्वी और दक्षिणी प्रांतों के पश्तून क्षेत्र के छात्र तालिब शामिल थे, जिन्होंने पारंपरिक इस्लामिक स्कूलों और मदरसों से शिक्षा प्राप्त की थी। इस दौरान इन छात्रों ने अफगान सोवियत युद्ध में भी भाग लिया। मोहम्मद ओमर के नेतृत्व में आंदोलन पूरे अफगानिस्तान में फैल गया, जिसके कारण सत्ता मुजाहिदीन सरदारों से दूर हो गई। तालिबान की विचारधारा शरिया लॉ के तहत देवबंदी कट्टरवाद और उग्रवादी इस्लामवाद पर आधारित है। साथ ही पश्तून सामाजिक और सांस्कृतिक तरीके, जिसे पश्तून वाली कहते हैं, इसने भी तालिबान की विचारधारा पर गहरा प्रभाव डाला है। इस समूह को आंतरिक रूप से पोषित किया गया, जिसमें हीरोइन, जबरन वसूली, अपहरण और फिरौती, नशीले पदार्थों का उत्पादन और तस्करी करके अवैध ड्रग का व्यापार जैसी गतिविधियां शामिल हैं। 1996 से 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के लगभग 3/4 हिस्से पर सत्ता संभाली। अपने चरम पर तालिबान के औपचारिक राजनयिक मिशन को पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई द्वारा मान्यता दी गई। इस्लामी कानून के कठोर व्याख्या के लिए तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप कई अफगानों के साथ क्रूर व्यवहार हुआ। उन्होंने पेंटिंग, फोटोग्राफी, फिल्मों सहित वे मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया जिसमें लोगों या अन्य जीवित चीजों को चित्रित किया गया हो। वे विशेष रूप से पुरुषों के बराबर खड़े होने वाली महिलाओं के खिलाफ हैं। धार्मिक और जातीय अल्पसंख्याओं में भारी भेदभाव किया गया। उन्होंने कल्चरल जेनोसाइड को अपनाया और बामियां के प्रसिद्ध 1500 साल पुरानी बुद्ध प्रतिमाओं सहित कई स्मारकों को नष्ट कर दिया। 2001 में काबुल के पतन के दौरान डिपोज होने के बाद भी मुल्ला मोहम्मद ओमर ने 2013 में अपनी मृत्यु तक अमेरिका के प्रतिरोध का नेतृत्व करना जारी रखा। अमेरिका के आक्रमण का सार्वजनिक उद्देश्य अलकायदा को नष्ट करना था, क्योंकि अलकायदा ने 11 सितंबर के हमलों को अंजाम दिया था। वे तालिबान, जिसने अलकायदा को श्रेय दी हुई थी, उन्हें अफगानिस्तान की सत्ता से हटाना चाहता था। ब्रिटेन इस कार्य में एक प्रमुख सहयोगी था। अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया। अमेरिका की ब्रिटेन और अन्य सहायक बलों, विशेष रूप से जमीन पर मौजूद नॉर्दर्न अलायंस ने लड़ाई में मदद की। तोरा बोरा की लड़ाई के दौरान अलकायदा और तालिबान के अधिकांश सदस्य पकड़े नहीं गए। वे या तो पड़ोसी देश पाकिस्तान भाग गए या ग्रामीण और दूरस्थ परिवर्तित क्षेत्रों में छिप गए। दिसंबर 2001 में संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने देश में सैन्य अभियानों के निगरानी और अफगान राष्ट्रीय बलों की प्रशिक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक बल IASAF की स्थापना की। तालिबान नेता मुल्ला ओमर ने आंदोलन को पुनर्गठित किया और 2002 में इसने सरकार और IASAF के खिलाफ एक विद्रोह शुरू कर दिया। अंत 2021 में अफगान सरकार को उखाड़ फेंक कर अफगानिस्तान में तालिबान शासन को फिर से स्थापित करने में सफल हुआ। अमेरिकी कब्जे के दौरान अफगानिस्तान के 3 शासक थे। इस्लामिक एक्टिविज्म। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अमनुल्ला खान के शासन के दौरान इस्लामिक एक्टिविज्म के बीज बोए गए थे। एक तानाशाह होने के बावजूद दाऊद खान ने कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक सुधार किए। उन्होंने सभी बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। महिलाओं को इच्छा अनुसार वेशभूषा पहनने की स्वतंत्रता थी। अफगानिस्तान हिप्पी ट्रेल्स के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया। इस प्रकार अफगानिस्तान एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल था। सांस्कृतिक परिवर्तनों, जो जाहिर शाह, दाऊद खान और तारकी जैसे शासनों द्वारा लाए गए थे, उसको काउंटर करने के लिए इस्लामवादी एक्टिविज्म को सुपर पावर US और पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसी क्षेत्रीय शक्तियों ने एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया। पाकिस्तान।
भारत में अंग्रेजी सरकार ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान पश्तून क्षेत्रों को विभाजित करते हुए ड्यूरंड लाइन बना डाली, जो पश्तून इलाकों के बीचों बीच जाती है। अधिकांश अफगान, जिसमें लगभग 42% पश्तून थे, ड्यूरंड लाइन से खुश नहीं थे। इसके कारण अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में अलगावादी आंदोलन का समर्थन किया। इस समर्थन के पीछे जाहिर शाह के प्राइम मिनिस्टर दाऊद खान थे। दाऊद खान द्वारा पाकिस्तान के पश्तूनों का समर्थन का काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इस्लामवादी सक्रियता को बढ़ावा दिया और इस प्रकार मुजाहिदीन, जो वास्तव में स्थानीय गुरिला लड़के थे, प्रमुखता में आए। साथ ही पाकिस्तान भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाली अफगानिस्तान की किसी भी विचारधारा या सरकार का विरोध करके भारत का मुकाबला करना चाहता था। पाकिस्तान की ISI और सेना पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अफगान सरकार द्वारा व्यापक रूप से तालिबान की स्थापना और सत्ता में रहने के दौरान समर्थन प्रदान करने का आरोप लगाया जाता है, और पाकिस्तान ने अमेरिकी शासन के दौरान तालिबान का समर्थन करना जारी रखा। बाहरी ताकतों का प्रभाव, ग्रेट गेम। 19 और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अफगानिस्तान दो कॉलोनियल शक्तियों, रशिया और ब्रिटेन के बीच सैंडविच हो गया था। इसे ग्रेट गेम कहा गया। अफगानिस्तान के उत्तर में सोवियत संघ की निकटता ने अफगानिस्तान में शासन को पारंपरिक रूप से प्रभावित किया है। इस अवधि के दौरान, क्योंकि भारत ब्रिटेन के नियंत्रण में था, ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के माध्यम से ब्रिटिश भारत पर सोवियत प्रभाव को सीमित करने के लिए प्रिवेंटिव रन नीति का पालन किया। 1970s में सावर रेवोल्यूशन और कम्युनिज्म। यहां एक बार फिर अफगानिस्तान दो महाशक्तियों के बीच फंस गया। ग्रेट गेम की जगह कोल्ड वॉर ने ले ली। सोवियत, जो परंपरागत रूप से अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट शासन का समर्थन करता था, और दूसरी ओर अमेरिका ने किसी भी और हर सरकार विरोधी संगठन को सैन्य समर्थन दिया, जो इस मामले में विरोधी चरमपंथी इस्लामवादी थे, जिन्हें बाद में मुजाहिदीन कहा गया। हालांकि अफगानिस्तान नॉन अलाइंड मूवमेंट का सदस्य बन गया, फिर भी कठिन टेरेन वाला एक बफर राज्य और आयरन कर्टन के बगल में स्थित होने के कारण ये दोनों महाशक्तियों के प्रभाव में आने के लिए वल्नरेबल रहा। इन सुपर पावर्स ने अपने स्वयं के जियोपॉलिटिकल परस्यूट के लिए एक आंतरिक बल को दूसरे के खिलाफ करके उनका शोषण किया। अफगानिस्तान की लड़ाई में उसकी ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण रोल है। अफगानिस्तान की भूमि को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है, क्योंकि कई महाशक्तियों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया है, लेकिन उनमें से कोई भी अपने अंतिम मिशन पे में सफल नहीं हुई है। 2000 साल पहले जब ग्रीस ने अफगानिस्तान पे हमला किया, तो उन्होंने अफगानिस्तान के पहाड़ों का नाम कॉकेसस रखा, जिसका मतलब है दुनिया का अंत। इसका प्रमुख कारण है अफगानिस्तान की उत्तर और उत्तरी पूर्व में हिंदू कुश पहाड़ और पश्चिम में रेगिस्तान के साथ दुर्गम इलाका, छोटा उपजाऊ क्षेत्र, कम पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ साथ अफगानिस्तान की डेमोग्राफी भी उसके लोगों को यूनाइट होने नहीं देती। ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया देशों और विशेष रूप से सिल्क रूट के निकट पड़ता था, इसलिए विभिन्न कुलों और जनजातियों ने कई बार अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और अंत में वे यहीं आकर बस गए। टेरेन की दुर्गमता, खराब संसाधन और कम पॉपुलेशन डेंसिटी के कारण ये गुट कभी एकजुट नहीं हो पाए। आप फर्श को पोंछते और सुखाते रह सकते हैं, लेकिन अगर आप नल को ठीक नहीं करते तो समस्या कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि सोवियत के मामले में अमेरिका वे नल था जो पाकिस्तान के माध्यम से मुजाहिदीन को सैन्य और वित्तीय सहायता दे रहा था, और अमेरिकी कब्जे के दौरान पाकिस्तान रशिया, चाइना, सऊदी अरब और कतर के साथ गुप्त साझेदारी में अलकायदा और तालिबान को धन और हथियार की आपूर्ति के साथ साथ सेफ हेवंस भी दे रहा था। अनफेवरेबल ज्योग्राफी और डेमोग्राफी के कारण कब्जे करने वाले सुपर पावर्स ने शहरी क्षेत्रों में ही अपनी उपस्थिति की।
और ग्रामीण और कठिन क्षेत्रों में मुजाहिदीन और बाद में तालिबान ने शरण ली। साथ ही पाकिस्तान जैसी क्षेत्रीय शक्तियों ने भी इन्हें अपने देश में शरण दी। पाकिस्तान की सेना का आकार, उसकी परमाणु स्थिति, चाइना के साथ उनके गठबंधन और सोवियत संघ के साथ बढ़ते संबंधों ने अमेरिका को पाकिस्तान की सीमा में घुसने से रोका। परिणाम स्वरूप लगभग सभी तालिबान जो महत्वपूर्ण थे पाकिस्तान भाग गए। किसी भी सैन्य कमांडर के लिए ये जॉब नॉट ओवर था। उनके लिए अगला सबसे अच्छा विकल्प था अफगान सेना को मजबूत बनाना और लोगों को एकजुट करना, जो एक कठिन कार्य था और इसमें 10 से 20 साल से अधिक समय लगना था। वह समय जो सोवियत और अमेरिका बढ़ते घरेलू दबाव के कारण लेने के लिए तैयार नहीं थे। इस प्रकार अफगानिस्तान अमेरिका के लिए एक और वियतनाम बन गया। अफगानिस्तान का भविष्य उसके क्षेत्रीय पड़ोसियों, खास करके ईरान और पाकिस्तान पर निर्भर है। यदि उनके द्वारा निभाई गई भूमिका इस्लामी कट्टरवाद या सक्रियता की हिंसक धार्मिक राजनीति को बढ़ावा देगी तो अराजकता जारी रहेगी। यदि तालिबान वित्तीय विकास और सुशासन द्वारा स्थिरता को बढ़ावा देने का फैसला करता है और उसके ये क्षेत्रीय पड़ोसी इसका समर्थन करते हैं तो आशा की एक किरण दिखाई दे सकती है। लेकिन अमेरिका, चाइना और रशिया को भी इन प्रयासों को समर्थन देना होगा।